एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मैं कल सुबह निकल रहा हूँ रामनगर उत्तराखंड अपने दो भाइयों के साथ। तो एक हैं उसमें हमारे करण नागर जी, पार्षद साहब, जिनसे आप मिल चुके हैं पिछले व्लॉग में। नहीं, अभी नहीं मिले, हाँ मिले। और दूसरे हैं हमारे केशव साधना जी। केशव साधना को शायद आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे बड़े भैया हैं, और जो कि कॉलेज रोमांस में जिन्होंने करण का रोल किया शायद आप सभी ने देखी होगी, और नहीं देखी तो अभी जाके देख लो। तो हम तीनों लोग जा रहे हैं रामनगर थोड़ा सा फन करने, थोड़ा सा घूमने फिरने। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे व्लॉग को। खूब मस्ती करने वाले हैं हम, खूब मजे करने वाले हैं, देखना पूरा व्लॉग एंड तक। जय राम जी की। सो गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ, बैठ चुका हूँ अपनी गाड़ी में। अब जाके गाड़ी में तेल वगैरह डलवाता हूँ, CNG फुल कराता हूँ, सामान मैंने रख ही लिया अपना। और केशव भैया को लेने जाता हूँ पहले, फिर पार्षद जी को उठाते हैं उनके घर से, फिर निकलते हैं बाकी। और वैसे बहुत ज़्यादा भसड़ मचा दी उन्होंने एकदम से, मतलब साला पता नहीं कुछ सामान छूट गया हो, क्या हो गया हो, बहुत ज़्यादा भसड़ मचा दी कि जल्दी 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 कर रहे हैं बहुत देर से। फाइनली मैं निकल चुका हूँ, वीडियोज़ वगैरह थोड़ी स्केड्यूल वगैरह की थी यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो अब लेते हैं इन्हें और फिर निकलते हैं सीधा रामनगर। तो गाइस, केशव भैया के घर में पहुंच चुका हूँ, अब इनको लेता हूँ और फिर निकलते हैं। हाँ तो गए सर भैया जी को प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। एक सवाल है, बहुत बहुत जोर आ रहा मन में। मेरे घर पर पेंट आपकी शादी के लिए चल रहा है ना। जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे। नहीं, शादी के तो घर वाले तो यही सोच रहे, लेकिन अभी तो टाइम है ना। हो गए, घर वाले कोई वीडियो ना देखे, कोई कोई घर वाला कोई सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाकी सब करें, बाकी सब बाकी दबा के। ये भैया के हमारे का सामान। निकलते हैं अब। तो गाइस, करण पार्षद जी को ये देखिए, पार्षद जी को हम भाई ये देखिए जरा लेने पहुंच गए। हाँ 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 हाँ, ये देखी मैंने। सलमान खान को इग्नोर किया गया आयुष शर्मा के थ्रू, करियर खत्म। तो करण नागर ने हमें हमारे सुबह से डंडा कर रखा आने का, और ये भाई साहब 15 मिनट लेट निकल के आए अपने घर में से। अब ये देखिए यार, इनको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। और घर वाले भी आ रहे हैं भाई, घर वालों से मिलने। ये भाई हेल्थ कॉन्शियस लोग, ये लेके आए भाई साहब 1 किलो संतरा और 1 दर्जन केले। खाने भाई रास्ते में दूध खाओ। क्या बात, बाहर रुकेंगे अभी आएगा ना। खीरा, मूली, टमाटर सब ले आपको बताएंगे। एक हमें पॉपकॉर्न उठा के लाए हैं भाई दुकान से। खीरा, मूली, टमाटर सब लेंगे, पर लेकिन जब तक झिलेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मतलब जितना पेट को झिलेगा जितना खा सकते हैं हम। बस बस बस। तो गाइस, अभी CNG फिल कराने के लिए रुके हैं हम दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक रेट है। 10 रुपये महंगी है बस, 10 रुपये महंगी है बस गाजियाबाद से। अब क्या पता आगे जाकर और महंगी हो। क्यों जी, थोड़ी है ये अपनी बात कर रहे हैं, पैसे कभी ना इनके पास। बड़े आदमी भाई पार्षद हैं यार। एक ही बात पकड़ लिया साड़ू। अब यहाँ से CNG फिल करा के निकलते हैं। यहाँ पे है 91 है ना, 92 है यहाँ पे CNG, और गाजियाबाद में है 82 ऐसी है कुछ। 10 रुपए का अंतर है, कोई ना। टॉयलेट करना आए थे, क्या नाम है जहाँ भी CNG भरवाई। ये देखो कितनी सारी नील गाय है यहाँ पे, और दो दिख रही होंगी ये, सॉरी। और दो लड़के यहाँ गांजा फूंक रहे हैं। सही चल रहा है इनका भी, ये देखो बहुत बढ़िया। देखिए गाइस, ये हमारे केशव भैया ये अमरूद खरीद रहे, उतर गए अमरूद खरीद रहे हैं। ये तो मैं भी बोलूंगा, इसको कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस।
कैसी इंग्लिश है भाई हमारी, अंग्रेज भी शर्मा जाए। ये देखो सर 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 सारी फैन सर बिग फैन। ये देखो ये बकचोदी करने आ गए। ये देखो ओ भाई साहब ये तो अंदर से भाई गुलाबी हैं। कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, 50 रुपए काट लो। नहीं इनका भी लोग ऐसे चल रहा है, देख तो ले सीधा। चलो कुछ तो बढ़िया है जिंदगी में, बढ़िया होगा जी। मुझे लग रहा है कि आज ही हम सारी सेहत बना लेंगे, वहां तक पहुंचते पहुंचते ही। बढ़िया है, अच्छी धूप सीख रही है कुछ ज्यादा ही। बढ़िया अमरूद 40 रुपए का एक दिया भाई, गुलाबी महंगा ही हो भाई अमरूद। बोलूंगा मैं यहाँ की जय हो। गढ़ पहुंच चुके हैं जी, और अभी थोड़ा सा शांत माहौल चल रहा है। छपरी जा रहे हैं, छपरी एक बाइक में 3 बैठ के सकते। भैया पहले आप बताओ कि आपके हिसाब से छपरी की क्या परिभाषा है? छपरी की स्पेलिंग पहले बता देता हूँ, CHPR है छपरी। या डबल पी होता है, सिंगल पी होता है, वो बाद में ऐड कर लेंगे। नहीं नहीं अच्छा, वरना छपरी हो गया ना भैया। मैं बताओ ना मतलब क्या कौन होते हैं छपरी। हाँ ये भी छपरी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है मुझे लगता है। जो जैसे वाला बड़ा उसके लिए कोई और छपरी होगा, लेकिन मुझे लगता है छपरी की एक ब्रैकेट है, उसी के अंदर सारे छपरी आते हैं। वो इंस्टाग्राम पे रील्स भी दिख जाती है आपको, लुक लाइक अ छपरी, तो वो ज्यादा अच्छा डिफाइन कर पाएंगे। अब करण भाई बताओ। मेरे हिसाब से भाई जो लोग नहीं होते जो सुनता पीते सोचते बहुत कूल लग रहे हैं। अच्छा और वो और यार अब तो मैं जो बोल रहा था ना, मेरे माइंड सेट ही बदल देगी, सबके अपनी अलग अलग डेफिनेशन होगी। मेरी बात में मैंने भी बता दी, इंस्टाग्राम पे है और कहाँ लगे वही वही इंस्टाग्राम पे तो है, बट जैसे जो होती है ना सिगरेट पी के कूल लग रहे हैं, लड़की को गाली दे के कूल लग रहे हैं, मतलब तुम्हारे हिसाब से वो छपरी होते हैं। तुम बताओ क्या लगता है? यार रंग बिरंगे मेरे हिसाब से छपरी चमकीले तो थे। मेरे हिसाब से छपरी की परिभाषा है करण भाई, वो मतलब नहीं मरना तेरे को डर नहीं लगता? छपरी की परिभाषा है जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। मुझे क्यों तोड़ा? जिनके पीले बाल होते हैं ना, पीले हो नीले हो रंगीन हो गुलाबी हो, नहीं गुलाबी तो खैर छोड़ो। चलो हमारी भाषा बता चुके हैं हम आपको, बाकी आप भी बताएं भैया कौन होते हैं छपरी कमेंट्स। 38 किलोमीटर सीधा चलना हमें, 38 किलोमीटर बाद लेफ्ट। रामपुर हमने क्रॉस कर लिया जी, देखो आम के बाग आ गए हैं। आम चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, आम भिजवा देंगे। अभी तो अंबिया है, आम तो बाद में बनेंगे, तो आप खुद ही हाइब्रिड कर लेना। पेटी पेटियां भर के ले आएंगे, और किसी गांडे का जूस पीना हो तो भाई यहाँ आके पी लेना। ये भाई गन्ने का जूस पिए फिर रुके, अरे ये तो पी सकते हैं हम। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या नाम है हमारे करण भाई कहानी सुनाएंगे। पहले आप यहाँ की आबादी देख लो, कौन से जिला आए हो? अजीम नगर। यहाँ हमारे क्या बोलते हैं उसको, पीसफुल कम्युनिटी यहाँ रहती है हमारी। अब बताओ करण भाई क्या बता रहे थे आप? उसको मैंने भैया दोबारा बताओ स्टार्टिंग से। वेव सिटी में क्लाइंट आया था, नाम मत बताना। नाम नहीं रुक जाओ, अब बताओ। हाँ वेव सिटी में क्लाइंट आया था। अच्छा मैंने उसको फ्लैट दिखाया अपने बेटे का, बेटा उसको मर्चेंट नेवी में। अच्छा उसने भाई साहब भैया मुझे दिखाया फ्लैट, मैंने उसको दिखाया फ्लैट। अच्छा मुझे दिखा दिया, मुझे घर जाके मैसेज कर रहा है, मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है बुड्ढा। हाँ अरे मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। अरे भाई आई वॉन्ट टू ब्लो यू आउट, आप जो चाहोगे मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने को रेडी हूँ, जितने लाख रुपए और ये वो फलाना टिमका ना, मेरा दिमाग खराब, मैंने उसको ब्लॉक किया। भाई स्मार्ट भी तो आप तुम्हारे तो भाई जी ललचा गया होगा एकदम से। सुनो तो सही, मैंने उसे ब्लॉक किया। उसके बाद उसका ना थोड़े दिन पहले अननोन नंबर से देखो क्या फोटो भेजी उसने मुझे। फोटो देख लो पहले एक बार, फिर बताऊंगा।
गाइस शोषण हो गया हमारे करण भाई का। उनको एक अंकल है बुढ़े 60-65 साल के होंगे कम से कम, उन्होंने क्या काम करा अपना फोटो इन्हें खींच के भेजा है ठीक है। करण भाई का स्टिकर मतलब जैसे बना देते हैं वो छाती पे चिपका लोंडा हो तो करण भाई जैसा हो भाई बिल्कुल अंकल लड़कियां भाई सब मर रहे इन पे। देखो गाइस ये मटन लेके जा रहा है ये देखो इसने देखो अपने पीछे छुपा रखा मटन और इधर ये लेके जा रहा है दो यहाँ पे दोनों तरफ पाकिस्तान की टीम है यहाँ खेल दे क्रिकेट क्योंकि कौन सा बात है ये अजीम नगर यहाँ पे दोनों तरफ पाकिस्तान की टीम मैच कर रही है आपस में अब कोई भी जीते टीवी के तो टूटने दंगे कराएंगे क्या आप तू सेट कर ली बीच में मिड वे में हम ऑडिशन बना रहे हैं जो लोग ये सोचते हैं ना कि एक्टर बनना बहुत आसान है देख लो गाइस हमें बीच हमें अपने रिजोर्ट पे चलना है। अच्छा अपने रिजोर्ट पे चल रहे भाई हम तो दुखी हो गए बीच हाईवे पर रुक गया हम ऑडिशन बना रहे हैं देख रहे हो मेहनत देख रहे हो चलो शूट कर देंगे भैया को सुपरस्टार बनवा दो सुपरस्टार एकदम समझ गए सुपरस्टार है शाहरुख खान के बगल में समझ गए हेलो इतनी मेहनत कर रहे हैं बीच हाईवे पर रुक के हम ऑडिशन बना रहे हैं यहाँ पे चलो और ये करण भाई ने हमारा भाई साहब बहुत पागल बना रखा इनका खुद का रिजोर्ट है वहाँ पे ठीक है कभी कह रहे हैं कि उसमें ही जाना कभी कह रहा है उसमें नहीं जाना कभी कह रहे हैं जाना हम तो पागल हो गए जी हम तो पागल हो गए जी अब चलो फाइनली वहीं जाना हमें ओके अब हम तुम्हारी आवाज सुन के भाई यहाँ रुके हैं अभी कुछ खाने के लिए करण भाई के दोस्त हैं यहाँ बहुत सारे जिनका अच्छा खास है बिजनेस वगैरह सेटअप वगैरह तो वो लेकर आए हमें खाने पीने के लिए अपना कुछ खाएंगे फिर जाएंगे रिजॉर्ट भाई ये है रास्ता हमारे रिजोर्ट का देख रहे हो कहाँ जंग चंडौली का आ सकती है भाई हाँ भैया कुछ भी आ सके कुत्ते तो आ गए पीछे ना ना भाई बाघ है बाघ हाँ बाघ कुत्ते की भाषा में बोल रहा है भाई साहब थोड़े भाई जंगल है भाई पूरा जंगल इसे कह रहे हैं साइड में पहाड़ भी है आपको पहाड़ दिखा पाते बहुत बढ़िया वाटरफॉल दिखाएंगे गाइस अपने रिजॉर्ट में हम पहुंच चुके हैं बहुत ही गजब सामने से झरने की आवाज़ आ रही है बहुत बेहतरीन क्योंकि इधर पहाड़ भी है और झरना बह रहा है गजब और ये देखो आप रिजॉर्ट ये देखो अभी तो बाहर बाहर का ये दिख रहा है जो अभी अंदर जाएंगे भाई गजब एक नंबर नदी बह रही है उस साइड में भाई क्या एरिया है यार मज़ा आ गया कमरे में आ गए अपने ये यहाँ पर किचन है और ये बैठने का एरिया थोड़ा सा ठीक है ये है ओनर्स का हमारे लिए जो है ये तो वॉशरूम दिखे है भाई ये तो वॉशरूम है ये देख लो ये पूरा हॉल है एक नंबर बैठने के लिए और दो इसमें रूम है एक रूम मेरा और दूसरा रूम मेरा ये हमारे करण भाई बदमाश और ये हमारे केशव भैया बड़े बदमाश और ये भाई साहब यहाँ तो बैलकनी वगैरह अच्छा अच्छा ये यहाँ पे भैया भमेटा की बैलकनी भमेटा की हमारी बैलकनी आ गई यहाँ पूल वूल आ गो और यहाँ नीचे है जी जो भी है रिजोर्ट एक नंबर गजब गजब मजा ही आ गया मच्छर ना आ जाए बंद कर दे भाई ये अपना ऊपर अपना रूम है ये नीचे गेस्ट का मतलब जो रहना आते हैं इधर एरिया देखो तुम भाई जिम तुम्हारे लिए जिम रखा हुआ देखो अच्छा ओ भाई साहब जिम वगैरह सब है सुबह जिम करते हैं भाई सुबह जिम करेंगे भैया सुबह जिम करते हैं बिल्कुल करें सुबह करेंगे सुबह और क्रिकेट खेलने के लिए भी भैया सामने बस बढ़िया और क्या दिक्कत है नहीं सही थिएटर वालों को ऑनलाइन ले लें सुबह खेलते में बैठ तो है मेरी गाड़ी में
खेलते हैं भाई। बैट बॉल सब है यहाँ पे, बॉल ले आएंगे बैट। उधर और रूम है वो, ये क्या लटका हुआ है, ये ऊपर क्या लटका हुआ है, रूम क्या देखेंगे, ये ऊपर क्या लटका हुआ है, नहीं तार है, बिजली की तार जा रही है, उसका कुछ अटका हुआ है, बॉटल है, बॉटल किसी ने बोट लटका रखी है भाई। नहीं नहीं शोपीस है, लाइट वाइट है शायद कुछ। हाँ, लाइट है। सुबह यहाँ क्रिकेट खेलेंगे भाई, बढ़िया जगह। उधर क्या देखेंगे, आ जा। ओ ये रहा, अरे जकूजी रखा है यार। अच्छा जकूजी, अच्छा। अरे करण ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जकूजी रखा है भाई। अरे अरे वाह, ये गेस्ट रूम्स हैं क्या, ये क्या है, अरे वाह, हालांकि मुझे इसका मतलब ना पता, अरे इसमें गर्म पानी आ रहा है, मतलब ना पता, पर बढ़िया चीज लग रही है, बंद है पर साफ भी है, साफ है, साफ तो है। हाँ चलो, ये तो मजा ही आ गया भाई, बहुत बढ़िया हो गया भाई, बहुत बढ़िया होगा जी। सुबह को यहाँ क्रिकेट बजाएंगे, फिर थोड़ी देर वर्कआउट करेंगे, रात को क्या बचाओगे तुम, फिर अपना मजे करेंगे। गाइस हमारे होटल में बाघ आ गया, ये देखो, ये रहा, ये बाघ, इसका नाम बाघ है, इसका नाम बाघ है। हार्ड कॉमेडी कर दी ना मैंने, कितना गंदा कॉमेडी करी है भाई। तो गाइस अभी इस व्लॉग को यहीं अभी हम रोक देते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। अभी हम खाना वाना खा के सो जाएंगे, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, सुबह उठ के घूमने जाएंगे जहां जहां मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। जय राम जी की।